सो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo Y27 मोबाइल में साइड से बैक कैसे किया जाता है। यानी दोस्तों ये जो 3 बटन दिख रहे हैं ये हाइड हो जाएंगी, उसके बाद आप अपने मोबाइल को साइड से बैक कर सकते हो। तो इस सेटिंग को कैसे आप एक्टिवेट करोगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन होने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन आएगा, सिस्टम के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे सिस्टम नेविगेशन का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर दोस्तों आप इस प्रकार से टिक लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो 3 बटन थी वो हाइड हो चुकी हैं। अगर ये जो लाइन दिख रही है छोटी सी, अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो इस टिक को आप ऑन कर दीजिए, ये भी हाइड हो चुकी है। अब यहाँ देखिए एकदम मोबाइल फुल स्क्रीन में जा चुका है। अब इसको यूज कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको एक बार बैक करना है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड इस प्रकार से करेंगे बैक हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड भी इस प्रकार से करेंगे तो बैक हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से करेंगे तो पूरा कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस मोबाइल में साइड से बैक कर सकते हो।